आप लोग इमेजिन करो भाई, क्या है ये, यहाँ धूप लगी है फिर भी -14 में ही अभी टेम्परेचर, बर्फ गिरती है उस टाइम -30 तक पहुंचता होगा। ये फूल मेरे को लग रहा है यार ये उड़ के तो नहीं आया कुछ, नहीं 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 ये बर्फ ही है, देखो बर्फ है ये फूल फूल। वेलकम टू त्रिलोकीनाथ टेम्पल, श्री त्रिलोकीनाथ धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। कम से कम 100 फीट नीचे होगा और उसके ऊपर बना है ये वाला ब्रिज, देखो धर्म वाला। हाँ अच्छा, पापी फंस जाते हैं ना। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी का टेम्परेचर आप लोग चेक कर सकते हो, सुबह के 7 बज रहे हैं, 6:55 हो गए हैं और अभी भी देखो -18 में चल रहा है भाई, जहाँ पे हम लोग हैं -18 पे भी टेम्परेचर चल रहा है और हीटर देखो अभी भी ऑन है बेचारा। हीटर बोलता है कि आप लोग मेरे को बंद मत करो, मैं आपके रूम का टेम्परेचर जो हूँ मेंटेन करके रखूँगा। बाहर का देखो -18 है और यहाँ का थोड़ा हमने इस रूम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखा है। ये वो मॉर्निंग के मुँह हाथ से धो रहे हैं और इधर उधर आप लोग देख सकते हैं कि पानी कितना ठंडा है। जिस टाइम हम लोग उठे थे ना यार उस टाइम था -18, यहाँ का 7 बजे था भाई -18, तो अभी जो है वो -10 तक है, अभी धूप आ गई ऊपर से और -10 तक है। बट एक अपनी आदत है यार कि सुबह जो है वो मुँह धोएंगे वो ठंडे पानी से ही धोएंगे, चाहे वो फिर कितना भी ठंडा क्यों ना हो। और इधर उधर दिखा भाई कपड़े वगैरह था मैं ही था, कोई बात नहीं। अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ी डाली अंदर से, देखो। अगेन गुड मॉर्निंग गाइस, सनराइज हो रहा है, देखो धूप अच्छे से निकल गई है, पहाड़ जो वो अच्छे से चमक रहे हैं, उस तरफ से निकल रहा है देखो तांदी की तरफ से। और वहीं पे अगर मैं आप लोगों को चंद्रभागा नदी दिखाऊं तो देखो भाई पूरा बर्फ बह के जा रहा है, इधर उधर तो पूरा जाम हुआ पड़ा है और बीच में जो नदी जो है उसको भी अगर मैं जूम करके थोड़ा दिखाऊं तो देखो बर्फ ही जा रहा है, पूरा बर्फ जा रहा है, पूरे जाम होके। चलिए ये देखो और सुबह का व्यू देखो यार कितना सुंदर सा लग रहा है, सुंदर सा लग रहा है। और वहाँ पे विलेज है और यहाँ पे विलेज है और यहाँ की लाइफ जो है ना भाई क्या बोलूँ मैं, अभी भी टेम्परेचर इतना धूप लग गई है बट उसके बाद भी टेम्परेचर जो है वो बहुत डाउन है। रात को हमने पानी फेंका था यहाँ पे देखो और यहाँ पे जम गया था पानी और इसको कर देते हैं जी बंद। और ये बैठे हैं हमारे कृष्ण भाई और संजू भाई भी मॉर्निंग में पहुंच गए, संजू भाई ने रूम की अच्छे से सफाई कर दी है और अच्छे से रूम को अब दोबारा से चमका दिया। ये था जी हमारा रात का ठहरने का प्रबंध जो संजू भाई ने किया था, उसके लिए संजू भाई को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और ये ना पूरी रात चला है, ऐसा नहीं है पूरी रात चला है बेचारा और इसने पूरे रूम को जो है वो गर्म करके रखा था, इससे हमें ठंड कम हुई। आपको तो नहीं ना रात को ठंड? हाँ मुझे भी इतनी ज्यादा ठंड नहीं, मतलब ऐसा था यार जब बोलते हैं ना कि रूम का जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है एक बार तो फिर उसके बाद ठंड नहीं होती है। दरवाजे बंद थे, पर्दे पूरे लगे थे, उसके बाद हीटर पूरी रात चला था, उस वजह से जो है वो बाहर भले ही जब 7 बजे -18 था तो रात के 1-2 बजे तो मेरे को लग रहा है 25-30 तक भी गया होगा। हम लोगों ने चेक नहीं किया। देखो जब सुबह के 7 बजे ही -18 था तो रात को तो ये 20-25 तक गया होगा, वी डोंट नो अबाउट दैट, बट ये है कि मतलब 20 तक तो हम लोगों ने देखा इसको। और देखो रात को जब मैंने पानी फेंका ना गाइस, हाँ अभी भी देखो -17, अरे धूप लग गई है भाई बाहर और अभी भी -17 दिखा रहा है, जिस टाइम हम उठे थे उस टाइम 18 था। तो देखो इतनी ठंड है आजकल यहाँ पे, कुछ एक लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई आजकल कौन जाता है बोलते लाहौल स्पीति, तो भाई हम जाते हैं लाहौल स्पीति। देखो गर्मी में सब आते हैं बरसात में सब आते हैं, उस टाइम जो ठंड होती है वो नॉर्मल वाली ही होती है और आजकल जो ठंड है ना वो जमने वाली है, पानी फेंको और उसी टाइम जम रहा है, पानी फेंको तमाशा देखो। हाँ पानी फेंको तमाशा देखो, वो वाली ठंड अभी है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, भाई ने पानी रखा है गर्म करने के लिए तो मुंह वगैरह धोते हैं, मैंने तो धो लिया पर दोबारा से एक बार धोते हैं मुँह गर्म पानी से, तो फिर उसके बाद निकलते हैं आज त्रिलोकीनाथ के लिए, आप लोगों को करवाएंगे भोले बाबा के दर्शन और तब तक जो है वो बाहर भी धूप लग जाएगी। हाँ हाँ ऊपर से आ गई है धूप, भाई लोग जो है वो
हमें बाय बोल के निकल गया है। बोलते यार कैमरा पे नहीं आएंगे जाते जाते, कैमरा पे बोलता है आपने बहुत ले लिया। और अब देखो भाई यहाँ पे अभी 9 बज रहे हैं, धूप लगी है और फिर भी हाँ ये चीज़ें नॉर्मल है। देखो यहाँ पे हाँ ये चीज़ें नॉर्मल है। देखो यहाँ अब देखना भाई टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हाँ टेम्परेचर अभी चेक करो जरा कितना है टेम्परेचर, टेम्परेचर हाँ कितना है, 14 हो गया जी, 14 हो गया, -14। देखो यार देखो -14 हमारे कृष्ण भाई आपको दिखा रहे हैं कैमरामैन इंदर के साथ आपके संवादक कृष्ण जी संवाददाता नहीं संवाददाता क्या बोलते यार मेरे को नहीं दिक्कत हो रही है। हाँ अभी तो बोलने में हाँ अभी तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है। अभी हमें भोले बाबा बुला रहे हैं तो अभी हम भोले बाबा के दर्शन करने जाते हैं। और अब जो है वो अगर धूप लगी होगी ना गाड़ी के पास तब तो हमारी गाड़ी गर्म होगी होगी। भाई ने बोला कि बोलते 5 से 10 मिनट जो है आप गाड़ी को गर्म कर लेना उसके बाद जाना, बोलते ऐसे मत चले जाना, तो पहले गर्म कर लेंगे गाड़ी को और फिर उसके बाद हम गाड़ी अपनी लेके जाएंगे। और अभी जो है वो कॉलोनी है यहाँ पे, बट कोई भी आपको बाहर नहीं दिखेगा क्योंकि क्यों दिखेगा भाई, ठंड बहुत हाँ ठंड बहुत है ना, मेरे हाथों में भी ठंड लग रही है, अभी इतनी ज्यादा ठंड है कि हाथों में ऐसे ऐसे ठंड लग रही है यार। -14 में यार धूप में -14 में टेम्परेचर आप लोग इमेजिन करो भाई क्या है ये, यहाँ धूप लगी है फिर भी -14 में ये अभी टेम्परेचर। और जब बर्फ गिरती होगी तो तब कितना जाता होगा कृष्ण भाई यहाँ पे टेम्परेचर, हाँ जिस टाइम बर्फ गिरती है उस टाइम -30 तक पहुंचता होगा, रात को पहुंच जाता है ना 40 तक, हाँ रात को 40 तक भी पहुंचता होगा, इससे ज्यादा भी जा सकता है दिन को थोड़ा कम, हाँ बट एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि देखो हमारी गाड़ी जो है वहां पे धूप लग गई है। अब जो है बेचारी ये थोड़ी जितनी ठंडी हुई होगी ना गाड़ी वो थोड़ी सी गर्म हो गई है। ये सुबह देखी भाई मैंने ना चंद्रभागा, मैंने इन लोगों को भी दिखाई है, हाँ तो मतलब वो जो है नदी में पानी नहीं बह रहा है, बर्फ जैसे हाँ हाँ बर्फ ही बह रहा है, मतलब यार इतनी ठंड है। अब धूप में आ गए हैं, अब देखते हैं जरा, हाँ अब वैसे गाड़ी तो हमारी ठीक जगह पे लगा दी थी, यहाँ पे लगाई होती तो यहाँ पे हमारी ठंडी रहनी थी। और देखो ये भी जमी है बेचारी नदी, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है इसमें, हाँ शीशा जम गया आज, एक बार जरा इसको हम अनलॉक, हाँ च्यूं च्यूं कर रही है च्यूं च्यूं। देखो जी हमारी गाड़ी का फ्रंट का नजारा देखो, अब कैसे होगा ये कृष्ण भाई, जय हो जय माता रानी, फूल फूल बना दिया है ये फूल, मेरे को लग रहा है यार ये उड़ के तो नहीं आया कुछ, नहीं 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 ये बर्फ ही है, देखो बर्फ है ये फूल फूल, हाँ फूल फूल जो है ये बर्फ है ये, हाँ अभी अब लो स्टार्ट करना आप गाड़ी, ठीक है अभी मत करना ये वाला बाय, हाँ स्टार्ट ही करो, हाँ बाय पर मत चलाना आप, देखो ये भाई पेट्रोल गाड़ी, अगर डीजल गाड़ी होती यहाँ पे ना तो वो स्टार्ट नहीं होती, डीजल गाड़ी अगर यहाँ पे होती तो हाँ वो स्टार्ट नहीं होती, तो मैं अपना बैग रख देता हूँ बोतल भी जम गई, हाँ बोतल में जितना अगर पानी था वो भी जम गया, बंद कर दे इसको, देखो फूल फूल बन गया फूल फूल बन गया जी, बर्फ ने जो फूल फूल बना दिए हैं, अब गर्म होने देते हैं गाड़ी अच्छे से आराम से, इस गाड़ी में उतने नहीं बने बट हमारी वाली गाड़ी में ज्यादा फूल बने हैं कृष्ण भाई बैठ गए जी अंदर। और गई देखो हमने यहाँ पे ना पानी फेंका, पानी फेंकने से थोड़ा अब ड्राइवर साइड से जो है ये साफ हो गया, अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं और पानी लाया मैंने ना, अब हाथ देखो इतने ठंडे हो रहे हैं, अंदर जो है वो भाई ने टेम्परेचर इतना मेंटेन कर दिया था कि अंदर ठंड नहीं लग रही थी, और अब जो है वो अब धूप लगी है तो देखो कैसा जमा है पूरा, देखो चलो जी देखो पहाड़ों की रानी सुमो जो है वो यहाँ पे अभी चलती है, त्रिलोकीनाथ से आई, जय बाबा त्रिलोकीनाथ,
चलो जी, चलो चले, चलो सर चलो। जय बोले, जय बोले शंकर, जय शंकर सभी को। कैसे हैं आप लोग? तो गाइज फाइनली हम लोग निकल गए जी अपने भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, त्रिलोकीनाथ के लिए, और साथ में हमारे कृष्ण भाई। हेलो। देखो भोले बाबा ने हमें बुलाया और हम कैसे आए, पहले हमारा प्लान जो था वो केलांग तक का ही था, और वहीं पे देखो हमारे पहाड़ों की रानी, हिमाचल वालों की दिल धड़कन की जान, HRTC उदयपुर से केलांग। हाँ, उदयपुर से केलांग जा रही है। और वही मैं बोल रहा था आपको ना कि जब देखो भोले बाबा बुलाते हैं ना तो फिर आप लोगों को प्लान बनाने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग केलांग तक आए थे, भोले बाबा ने बोला कि बच्चों मेरे पास भी आ जाओ, और हमारा कैसे प्लान बना, किस तरह से हमने संजू भाई को कॉल की, मतलब वहाँ पे पहले कल ना हमारा प्लान ही था कि ऐसा त्रिलोकीनाथ जाएंगे, हम पहले हम सोच रहे थे कि उदयपुर तक जाएंगे, फिर भाई को बोला मैंने, यार मैंने बोला भाई तब उदयपुर जाते हैं तो वहाँ पे त्रिलोकीनाथ भी जाके आते, भाई ने बोला क्यों नहीं भाई जाते हैं। तो अब जो है मॉर्निंग में फिर कल शाम को सोच रहे थे हम यार शाम को जाए, फिर नहीं सुबह जाएंगे आराम से भूखे पेट भोले बाबा के दर्शन करके आएंगे और आप लोगों को भी भोले बाबा के दर्शन करवाते हैं जी। चलो फिर, और अभी हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट लेंगे कि राइट लेंगे सर ऊपर के लिए? अभी हम सीधे चलेंगे, अभी सीधे चलेंगे जैसे ही लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट लेंगे। लेफ्ट लेंगे फिर। रात को तो मेरे सिर में दर्द हो रही थी हीटर की वजह से, क्योंकि अभी हीटर है, अब गैस बन रही थी और फिर दरवाजा भी नहीं खोल सकते, फिर टेम्परेचर डाउन जाना, तो मतलब वो सारी दिक्कतें यहाँ पे। यार गाइस मैं ना वही चीज सोच रहा हूँ कि मतलब ये लोग किस तरह से सरवाइव करते हैं, इन लोगों को देखो अब आदत, इनकी आदत बन गई है। अब जैसे संजू भाई है, फिर राजू भाई है, वो मतलब यहाँ पे रहते हैं बट है वो हमारे जोगिंदर नगर से, जोगिंदर नगर पद्धर से है वो, और मतलब उनको यहाँ पे रह के आदत बन गई है। गाड़ी में हीटर भी जरूरी है, हाँ AC भी जरूरी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दोनों चीजें बहुत जरूरी होगी। हाँ, हीटर होती तो नहीं, हाँ मतलब अगर हीटर नहीं होता तो हमें ठंड लगती है। और थोड़ी देर में हम लोग त्रिलोकीनाथ पहुंचने वाले हैं, और नीचे की तरफ अगर आप लोग देखते हो ना यार, तो पहाड़ इतने इतने बड़े और बर्फ वहां से आई है, और पहले पानी जम गया, और पहले हम लोग त्रिलोकीनाथ जाएंगे, उसके बाद जब उदयपुर जाएंगे ना तो उदयपुर में आप क्या दिखाएंगे? हम आपको उदयपुर का बस स्टैंड दिखाएंगे, बस स्टैंड वो कम लगता है और होटल ज्यादा लगता है। अच्छा, इस तरह का है वो? हाँ जी। चलो देखेंगे, लग जाएगा, लोगों को भी लगेगा पता, जो हमारे व्यूअर है उनको भी लगेगा पता। और आगे जो देखो पहाड़ियां आ रही है वहां पे बर्फ है जी, और ये जम गया देखो, इस साइड को जम गया, इस साइड को अब ठीक चल रहा है, ये बाहर से जमा अंदर से नहीं जमा। देख लो, पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ रहा। चलो उधमपुर किश्तवाड़ भी यहाँ से जाते, किश्तवाड़ में हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेफ्ट लेंगे जी, देखो ठीक बोला था भाई ने, लेफ्ट लेंगे, वेलकम टू, नहीं रुको आप यहाँ पे अच्छे से लेते हैं, जब जा रहे हैं तो अच्छे से लेते हैं, वेलकम टू त्रिलोकीनाथ, वेलकम टू त्रिलोकीनाथ टेम्पल, श्री त्रिलोकीनाथ धाम में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन भी है। और यहाँ से जो त्रिलोकीनाथ की दूरी बसती है वो 6 किलोमीटर है, और इस तरफ को देखो लेफ्ट को त्रिलोकीनाथ धाम है, और वहीं पे उदयपुर 10 किलोमीटर का सफर बच जाता है जी। और वहीं पे हमारे भाई साहब फोटो खींच रहे हैं, और ये हमारी गाड़ी लगी है देखो, यहाँ पे पीछे इतना बड़ा बोर्ड लगा है भोलेनाथ के धाम का, और यहाँ से अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं, फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं जी त्रिलोकीनाथ धाम के लिए। 6 किलोमीटर का सफर बच जाता है, अब जाके भोले बाबा के दर्शन करते हैं, और उससे पहले जो है वो इसके साथ फोटो खींच लेते हैं। सर फोटो खींचो। अरे ये नॉर्मल चीज है भाई यहाँ पे, ये जो दिखाना है लोगों को, यही तो दिखाना है, यही तो दिखाना है लोगों को है। अब देखो कितना बड़े ब्रिज से हम जा रहे हैं। बहुत बड़ा ब्रिज नहीं है ये तो, मतलब बहुत हाइट बहुत चौड़ा है, वहां से दिख रहा था इतना चौड़ा है, बहुत फोटो लिए हमने, बहुत पुराने भी बहुत है मेरे पास, रवि ठाकुर विधायक थे यहाँ के। अच्छा, माननीय विधायक लोल एंड स्थिति। गाइस यहाँ पे ना ये वाला ब्रिज दिखा मेरे को, तो मैंने गाड़ी में भाई को बोला वहां पे खड़ी करो आप, और नीचे देखो कितना डाउन है भाई ये, अब देखो कम से कम 100 फीट नीचे होगा, और उसके ऊपर बना है ये वाला ब्रिज, देखो ये वाला ब्रिज बना है, अगर गिर जाए बंदा तो फिर ले आओ भाई ले आओ। अब आ रही अपनी गाड़ी देखो वहां से,
पत्थर और बर्फ में यहाँ कोई फर्क ही नहीं है, देखो जैसे पत्थर पड़े है वैसे बर्फ भी पड़ा है देखो। फाइनली जी पहुंच गए हम लोग जी त्रिलोकीनाथ में। मंदिर किस तरफ को है सर? अच्छा हम गाड़ी लगाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं। पानी नीचे कहीं लगाने को होगी तब तो लगाएंगे। यहाँ पे लग सकती है इसके, हाँ इसके साथ यहाँ लगा दो। लो जी पहुंच गए जी फाइनली। ठीक है त्रिलोकीनाथ बसेस तो नहीं जाती है ना यहाँ से? लास्ट टाइम जब आए थे भाई तो पकड़ के ले जाना पड़ रहा था आपको। हाँ जी, हाँ जी। और अब देखो अपने पैरों पे चल रहे हैं। देखो भोले बाबा का आशीर्वाद जब रहता है ना तो हर एक कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। बाकी धूप लगी है तेज वाली, फिर भी ठंडी हवाएं चली है यहाँ पे। और एंट्री गेट कहाँ से सर? आगे से है ना, खुला बहुत ज्यादा है देखो ऊपर को। हाँ ऊपर बर्फ है और वहीं पे गौ माता जीमनी। अच्छा यहाँ से ऊपर को, यहाँ से चढ़े। दुकानों से लेना था? दुकानें बंद है सर। फिर कुछ नहीं है ऊपर भी दुकानें? हाँ ऊपर कोई तो खुली होगी। हाँ ये फोटो कल भाई साहब ने लिया था, कृष्ण भाई ने, तो बोलते यार ऊपर ले जाऊंगा मैं, और इस पे बोलते बाहर से जो यहाँ पे मंदिर में ले जाके फिर इसकी घर पे स्थापना करूंगा बोलते। तो भाई चलो अभी जो है शॉप वगैरह अभी तक भी बंद है, अंदर तो फोटो वगैरह लेने देते होने क्यों? मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर। अच्छा मंदिर के बाहर ले सकते, मंदिर के अंदर। यहाँ पे भी खुली क्यों? चलो कुछ नहीं है, भोले बाबा ने जहाँ पे उनकी भी बोनी होगी, ठीक है ना, उनकी भी बोनी होगी भाई। हाँ फाइनली। हाँ जी हाँ जी, लो जी भोले बाबा के दरबार में पहुँच गए फाइनली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। कृपया जूते यहाँ उतारे, तो यहाँ पे हम लोग जूते उतार लेते हैं। जब भी मंदिर में जाओ मैं तो हर बार यही बोलता हूँ कि पहले हाथ धो लो, चाहे कितना भी ठंडा पानी हो चाहे कितनी भी ठंड हो, पहले हाथ पैर धो के अपने अच्छे से आ जाओ। यहाँ पे मेरी बारी आती है, पकड़ो। यहाँ मेरी बर्फ जमा है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, अभी टेम्परेचर माइनस नहीं है टेम्परेचर। और भोले बाबा के दर्शन करने हम लोग भी पहुँच गए। अब अंदर चलो, फोन लेके जा सकते हैं? फोन लेके जा सकते हैं। कहाँ तक ले जा सकते हैं फोन? फोन कहाँ तक ले जा सकते हैं? यहाँ तक ले जा सकते हैं। जय हो भोले बाबा, पहुंच गए जी भोले बाबा के दरबार में। हाँ पहले यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं। A few moments later. ये कर लिए जी हमने भोलेनाथ के दर्शन, और ये लग गया देखो भोले बाबा का। और हमें देखो पता ही नहीं था कि हाँ उस खंबे के इस साइड से जाना और उस साइड से निकलना है। जब मैं यहाँ से गया ना, इस साइड से जब गया तो फिर वहाँ से मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई, बट जब वहाँ से निकला तब थोड़ी सी दिक्कत हुई। अब देखो बताने वाला भी कोई होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे पूजा की, फिर वहाँ पे धूप और अगरबत्ती वहाँ पे लगाई, और अंदर बोलते हैं वीडियो अलाउ नहीं है, वीडियो और फोटोग्राफी जो वो अंदर अलाउ नहीं है। वहाँ पे देखो लिख के किया कि अंदर फोटोग्राफी करना सख्त मना है। तो यहाँ पे इतना कर आप लोगों को दिखा देते हैं, और ये भी लगे देखो अंदर बड़े बड़े। और ये मंदिर ना एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे दो धर्मों के लोग जो है वो पूजा कर सकते हैं, हिंदू और बौद्ध धर्म। हाँ जी लोगों ने भी भोले बाबा का आशीर्वाद ले लिया, और अब जो है थोड़ी बहुत तो फोटोग्राफी बाहर हम यहाँ पे कर लेते हैं। घुमा लिया जी, घुमा लिया जी। हाँ जी हाँ, ये आपने ठीक बताया, मैं वो पोल वाला जो था ना, अब हमें पता नहीं था। हाँ मंडी से, मंडी। हाँ जी जी।
एक धर्मवाला ठीक है, पापा कहीं फंस जाते ना। हाँ अच्छा, पापी फंस जाते हैं ना, एक ही तो छोटा नहीं होते वहाँ। हाँ इस आडवार में। हाँ दूसरा ये जब धर्म आए कभी। हाँ अच्छा, ये पाप बड़ा आराम से निकल जाते हैं। आराम से नहीं आगे कोई यहीं से हो गया बन खत्म लग तो वो तो वो ज्यादा ही पापी थे। ये देखो वो मैंने ट्राई किए थे। अच्छा वो जी मेरे कुछ है। अच्छा जब कुछ प्रकाश तो हाँ नहीं, नहीं देखो भोले बाबा का आशीर्वाद अगर बोले सच्चे दिल से अगर भोले बाबा को मानते हो ना तो दोबारा ट्राई करता हूँ आज। अच्छा हाँ आज आपने कर लिया जी। आज मैंने तो पहली बार मैं गया, मैं थोड़ी सी दिक्कत जब मैं दूसरे में था ना जिस टाइम वो धर्मवाला जो था ना उसमें थोड़ा सा मैं फंसा थोड़ा सा, बट फिर बाद में निकल गया। हाँ ये बोलते कि विचार सच्चे रखो तो भोले बाबा आराम से निकलने देते हैं। अब लास्ट में ये गवाना बचता है, इसको हम वीडियो में ले लेंगे। आगे से चलो आप, आगे से चलो आप। जय हो जी, जय हो जय। पूरी परिक्रमा कर ली, दो करनी हाँ तीन करते हैं क्यों हाँ दो और वहीं पे रुकना दरवाजे के पास हो गया तीसरा। हाँ जी हाँ जी हो गया। जय जय हो बोले। चलो चले नहीं, नहीं आप नहीं गिरते सर, हम जब आपके साथ है तो हम आपको गिरने नहीं देंगे। यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब हम लोग जाएंगे जी उदयपुर माता के मंदिर में। हाँ माता के मंदिर में जाएंगे। हाँ बोलते वो हाँ जाने से जो है वो फिर ये वाली यात्रा जो है वो संपन्न मानी जाती है, संपूर्ण मानी जाती है। तो अब जाते हैं माता रानी के मंदिर और इधर उधर का यार व्यू जो है भाई देखने के लिए ना वो तो ये देखो इधर उधर का व्यू। इनके पीछे से जाना मैंने। चलो चलो मारना मत गौ माता, मारना मत हमें। और अब हमें जाना है इस रोड में उदयपुर के लिए। आए हम लोग इस रोड से थे बट जाएंगे हम इस रोड में। अब ये जी लग गया। चलो सर अब अच्छा बिना चश्मे के नहीं चलेंगे आप। नहीं पता क्या चश्मा क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं पड़ती फिर नहीं। जैसे हमारी वो हो जाता है ना बर्फ के साथ यहाँ पे आप देखो यहाँ लोग देखे चश्मा और टोपी लगी लगी है। लगी लगी वो तो लगी लगी। फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से देखो ये क्या लिखा है आइस वाले रास्ते चले। हाँ ये मतलब आजकल ना देखो सेंसर वाली गाड़ी है तो ये गाड़ी जो है वो पहले बता देती है कि भाई यहाँ आपने जो है वो आप ऐसे रास्ते पे हो तो ध्यान से ड्राइविंग करो। तो गाड़ी ने बता दिया कि आप जो है वो बर्फीले रास्ते पे हो तो ध्यान से ड्राइविंग करना। और अब हम जाएंगे जी उदयपुर और वहीं पे आप लोग ऊपर अगर देखो तो चोटियों में दिख रहा है जी बर्फ।